कुंभ राशि, आपके जीवन में दीपक की तरह रोशनी छाएगी, लेकिन दुश्मनों से लपेटना होगा। दोस्तों, आज की सुबह में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में तो दीपक की तरह रोशनी छाएगी, लेकिन दुश्मन आपके बीच बीच टांग अड़ाते रहेंगे। पूरी बात विस्तार से जानेंगे, हर एक बात को समझाएंगे और आपको समझना भी होगा, क्योंकि ये जो जीवन की पार्ट है यह सबसे अलग रहती है। इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पैर खींचने वाले हजारों लोग होंगे, तो हर एक बात को विस्तार से जानेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलेगा। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परेशानियों में फंसा सकती है। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोलिएगा। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आप जो भी करेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे। आपका लाजवाब काम खुद ही आपकी असली कीमत लोगों को बताएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम सही ढंग से पूरा करते रहेगा। घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद भी चख सकते हैं। कारोबार के कुछ कार्य और जिम्मेदारियों को लेकर खुल के बात करना काफी आसान होगा। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे और जनसंपर्क से भी आपको लाभ होगा। रोजगार के क्षेत्र में योग्यता बढ़ाने में सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग व आशीर्वाद मिलेगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचेगा, क्योंकि वही आपके साथ रहेगा। हर एक प्रॉब्लम में परेशानी में वही आपका साथ देगा, वही आपको बचाएगा। नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। अचानक हुए खर्चे और आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। संबंधियों से मुलाकात उससे कहीं बेहतर रहेगी जितनी आपको उम्मीद थी। प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आप कई नए विचार पा सकते हैं। दोस्तों, घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि की गृहिणियां फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का पूरा लुप्त आप ले पाएंगे। दोस्तों, खर्चा जो आप खर्चा कर रहे हैं वे आंख बंद करके खर्चा कर रहे हैं। आगे कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी खर्चा थोड़ा कम करेगा। अगर खर्चा ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही अपना खर्चा बढ़ाते रहेंगे तो आगे धन की कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपके जीवन में दीपक की तरह रोशनी छाएगी, तो इसमें आपके दुश्मनों का क्या रोल रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में आपके जीवन में जो भी अंधेरा छाया सा था वहां पर दीपक की तरह रोशनी छाई लगेगी। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कर्जे से धीरे धीरे ऊपर आते रहेंगे। आप अपनी सफलता की सीढ़ियां आगे धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे, लेकिन इन बीच दुश्मनों को ना भूलेगा, क्योंकि दुश्मन अगर आपके सामने ना भी हो तो पीठ पीछे आपके नुकसान के बारे में जरूर कुछ षड्यंत्र बना रहे हैं, या फिर आपकी पैर खींचने के लिए कुछ नई नई योजना बना रहे हैं। तो इस बीच अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो या फिर आप आगे बढ़ रहे हो तो दुश्मनों का ध्यान जरूर रखेगा, क्योंकि वह हर वक्त आपका बुरा ही चाहेगा, तो दुश्मनों पर भी ध्यान जरूर रखेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अक्सर
पैसे का हिसाब किताब रखने में भुलक्कड़ हैं, इसलिए आप अपने खर्चे का ठीक हिसाब रखेगा। यह भी मुमकिन है कि आपने बैंक से रकम निकाली और उसे गैर जरूरी और छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर दिया, जिसका आपने हिसाब तक नहीं रखा। इसलिए बहुत जरूरी है आप हर छोटे बड़े खर्चे का पूरा हिसाब किताब रखें। अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में ना अटके, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपना पैसा अभी बचा कर रखिएगा। हालांकि कुछ लोग चाहेंगे कि आपकी मोटी कमाई को ऐसे ही वैसे ही कहीं पर भी फालतू जगह पर लगवा दे, लेकिन यह जता दे कि आप उनके झांसे में नहीं आने वाले, थोड़ा सा संभल कर चले। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपनी योजनाओं को खुद समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस व्यक्ति की जितनी मदद आप लेना चाहें जरूर ले, इसमें जरा भी ना हिचके, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि आपने काम की सही दिशा चुनी है या नहीं। ऑफिस में काम के बोझ के कारण आप अपने करियर को बदलने के बारे में सोचेंगे। आपको अपने सभी विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए, इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। उपलब्ध सभी विकल्पों के बारे में अंदर बाहर से जांच कर आपको अपने करियर के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोनों के बीच हाल की कुछ मनमुटाव के बाद आप एक दूसरे से फिर से बंध गए हैं। आपने एक दूसरे को बेहतर समझा है और बातचीत की है। अपने पार्टनर की बात को तरजीह दें और ध्यान से सुने। रिश्ता रास्ते पर आ जाएगा, उसे सहारा दें। यह आप दोनों को खुश रखेगा। आपके लिए बातचीत से भरा हुआ है। आप अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर समय बिताएंगे या फिर फोन पर मधुर संवाद कर सकते हैं। किसी भी तरह आप दोनों दिन भर जुड़े रहेंगे। अकेले लोगों को इंटरनेट के माध्यम से नया पार्टनर मिल सकता है। जोड़ियां अपनी रिश्तों की घोषणा करेगी। प्रस्ताव मिलने के पूरे लक्षण भी बन रहे हैं। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको सुरक्षित खाना और बचाव के सुरक्षित तरीके इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संक्रमण से दूर रखिएगा। ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्यादा भीड़ वाली जगह ना जाए। आप छोटी छोटी बीमारी जैसे कि कफ और कोल्ड को थोड़ा सा दिमाग लगाकर दूर ही रखा करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको हर रोज इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।